हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ ताल मखाना खीर, जिसे बनाने भी इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए बनाते हैं ताल मखाना खीर। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप ताल मखाना, 10 से 15 काजू, 10 से 15 बादाम और हरी इलायची, 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं। अब हमने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। जब तक दूध उबल रहा है, तब तक हम ताल मखाना को रोस्ट कर लेते हैं। हम इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इनको अच्छे से रोस्ट करना है, जिससे कि ये आसानी से क्रश हो जाए। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको क्रश कर लेंगे। हल्का हल्का सा क्रश करना है, बस इतना ही क्रश करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और मैंने इसमें इलायची को कूट कर डाल दिया है। अब इसे दूध को हमें जब तक पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और जितना गाढ़ा दूध होगा हमारी खीर उतनी ही अच्छी बनेगी। अब देखिए, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूंगी, जब तक गाढ़ा दूध नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसमें ताल मखाने नहीं डालूंगी। अब देखिए, दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं ये क्रश किए हुए ताल मखाने डाल रही हूँ। ताल मखाने डालने के बाद थोड़ी देर मुझे इसको और गाढ़ा करना है, और इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे कि नीचे तली में लग ना जाए और जलने की ना आ जाए इसमें खीर। लगातार चलाते रहना है दोस्तों इसको, नहीं तो इसमें जलने की आ जाती है खीर। ये देखिए, खीर अच्छे से गाढ़ी होने लगी है। ये देखिए कितनी गाढ़ी होगी। अब मैं इसमें ये इसको 3 से 4 मिनट और पकाना है, उसके बाद में मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और मैं आपको इसमें चीनी डालना बताना भूल गई थी, मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 1 कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने कम ही चीनी डाली है इसमें। ये देखिए दोस्तों, मज़ेदार खीर बनकर एकदम तैयार है, और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये, वो खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है।